ये कहानी आपको हिंदी फिल्म की एक कहानी लगेगी। एक खतरनाक अपराधी जेल में सजा काट रहा है। शहर में अपराध बढ़ रहे हैं और पुलिस और प्रशासन इस बढ़ते हुए अपराध को रोक नहीं पा रहे हैं। फिर पुलिस ऑफिसर्स की एक मीटिंग होती है, जिसमें कोई ऑफिसर कहता है कि अगर इस बढ़ते हुए अपराध को रोकना है तो किसी ऐसे आदमी को काम पे लगाना होगा जो अपराध करने के तरीके को समझता हो और जो अपराधियों की तरह सोचता हो। और फिर नाम आता है उस खतरनाक अपराधी का जो जेल में सजा काट रहा है। पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि वो अपराधी उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि लोहे को लोहा ही काट सकता है। वो उस अपराधी के पास जेल में पहुंचते हैं और उसके सामने एक शर्त रखते हैं, और वो शर्त ये थी कि अगर वो पुलिस की मदद करता है तो उसको जेल से रिहा कर दिया जाएगा और उसकी बाकी की सजा भी माफ कर दी जाएगी। लंबे अरसे से जेल में सजा काट रहा वो अपराधी पुलिस की इस शर्त को मान लेता है और जेल से रिहा होने के बाद अपराध को रोकने में पुलिस की मदद करता है। ये तो पूरी फिल्मी कहानी है, लेकिन मैं आपको ऐसे शख्स की कहानी सुना रहा हूँ जिसकी जिंदगी की कहानी कुछ ऐसी ही है। वो एक बहुरूपिया था। रूप और पहचान बदल बदल कर उसने अपराध किए, लोगों को धोखा दिया, जालसाजी की और बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइम किए। जेल में सजा भी काटी उसने, लेकिन एक दिन वो जालसाज जेल से बाहर निकल आता है और फिर क्रिमिनल्स पर कहर बनकर टूट पड़ता है। ये कहानी भारत के सबसे बड़े जालसाज नटवरलाल की नहीं, ये कहानी है अमेरिका के नटवरलाल फ्रैंक एबैगनेल जूनियर की। उस आदमी की जिंदगी कुछ तो खास थी, जिसकी वजह से उस पर 2002 में एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी, जिसका नाम था कैच मी इफ यू कैन। ये फिल्म अपने समय की एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। फ्रैंक एबैगनेल की कहानी की शुरुआत करता हूं उसके जन्म से। सन 1948 में 27 अप्रैल को न्यूयॉर्क के न्यू रोशेल में जन्म हुआ था फ्रैंक एबैगनेल जूनियर का। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित था, क्योंकि उसके पिता स्टेशनरी का बिजनेस चलाते थे और एक अमीर व्यक्ति थे, लेकिन इसके साथ ही साथ उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स और थिएटर में भी था। फ्रैंक एबैगनेल अपने पिता से प्रभावित तो था, लेकिन उसकी सोच और उसकी हरकतें बिल्कुल अलग थीं। वो अपनी उम्र के दूसरे लड़कों जैसे सामान्य नहीं था। वो आसपास की दुकानों से छोटे मोटे सामान चोरी करता, घर से पैसे चुरा लेता और पड़ोसियों का भी सामान गायब कर देता था। छोटे छोटे क्राइम करते हुए अब वो 15 साल का हो चुका था। उसके घर की हालत भी सामान्य नहीं थी। उसके पिता के पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व होने के कारण वो घर में अपनी पत्नी यानी फ्रैंक एबैगनेल की माँ को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से उन दोनों में डिवोर्स लेने की नौबत आ गई। दूसरी तरफ फ्रैंक एबैगनेल जूनियर अब बोर हो चुका था छोटे मोटे फ्रॉड्स और चोरियां करके। अब वो कुछ बड़ा करना चाहता था और उसकी एक बड़ी धोखाधड़ी के पहले शिकार बने खुद उसके पिता। फ्रैंक एबैगनेल जूनियर एक पार्ट टाइम जॉब करता था। उसके पिता ने उसके लिए गैसोलीन क्रेडिट कार्ड और एक ट्रक दिया, ताकि उसको अपने जॉब में कुछ हेल्प मिल सके। गैसोलीन क्रेडिट कार्ड एक ऐसा क्रेडिट कार्ड होता है जो कि सिर्फ गैस स्टेशन यानी पेट्रोल पंप पर चलता था, और उस कार्ड से गाड़ी में गैस यानी पेट्रोल भरवा सकते थे और गाड़ी के पार्ट्स भी खरीद सकते थे। फ्रैंक एबैगनेल जूनियर अपने पिता का गैसोलीन क्रेडिट कार्ड का यूज करके गाड़ी के टायर, बैटरी और कार से जुड़ी हुई कुछ और चीजों को खरीद लेता, और बाद में उन चीजों को वो गैस स्टेशन पर थोड़े कम पैसे लेकर बेच दिया करता था। उसने उस समय अपने पिता के गैसोलीन क्रेडिट कार्ड से $3,400 खर्च किए और वो पैसा उसके पिता को चुकाना पड़ा। बात तो खुलनी ही थी, और जब ये बात खुली तो फ्रैंक एबैगनेल ने ये झूठ बोला कि उसको मालूम नहीं था कि उसके पिता को ही क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना पड़ेगा। लेकिन वो कुछ और बिगड़ ना जाए, उसकी माँ ने उसको 4 महीनों के लिए जुवेनाइल करेक्शन फैसिलिटी में भेज दिया, ताकि उसकी इस तरह की आदतें छूट जाए। सन 1964, फ्रैंक एबैगनेल जूनियर अब 16 साल का था और 10th ग्रेड में पढ़ाई कर रहा था। इस साल फ्रैंक एबैगनेल जूनियर के माता पिता का डिवोर्स हुआ। फ्रैंक एबैगनेल से जब कोर्ट ने पूछा कि वो किसके साथ रहना चाहता है, माँ के साथ या पिता के साथ, तो फ्रैंक एबैगनेल जूनियर कोई भी डिसीजन नहीं ले पाया और वहीं कोर्ट से वो भागकर न्यूयॉर्क चला गया।
न्यूयॉर्क में उसने डिलीवरी बॉय की नौकरी की और थोड़े पैसे कमाने लगा। 16 साल की उम्र होने के कारण उसको ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। उसकी उम्र कम तो थी लेकिन उसके बाल सफेद होने लगे थे और वो अपनी उम्र से 10 साल बड़ा लगने लगा था। फ्रैंक एबग्नेल ने सोचा कि उम्र बड़ी दिखने से उसको फायदा हो सकता है, इसलिए उसने भी अपनी उम्र ज्यादा बताना शुरू कर दिया। उसने अपने ड्राइविंग लाइसेंस में भी अपने डेट ऑफ बर्थ में अपना बर्थ ईयर 1948 को चेंज करके 1938 कर दिया और 10 साल बड़ा बन गया। इस वजह से उसको ऐसी जॉब मिल गई जिसमें उसको ज्यादा पैसे मिलने लगे, लेकिन उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती थी, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी और धोखाधड़ी के क्राइम में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया। बैंक के साथ तो उसने इस तरह की धोखाधड़ी की जितनी तो भारत के नटवर लाल ने भी नहीं की होगी। वो देखता कि पैसा जमा करने के लिए डिपॉजिट स्लिप का इस्तेमाल होता है। बैंक अपने कस्टमर्स को चेकबुक के साथ डिपॉजिट स्लिप्स भी भेजती थी जिस पर उनके अकाउंट नंबर मैग्नेटिक इंक से प्रिंट होते थे, लेकिन कुछ कस्टमर्स बैंक में उपलब्ध डिपॉजिट स्लिप्स का इस्तेमाल करते थे और हाथ से ही अपना अकाउंट नंबर उन डिपॉजिट स्लिप्स पर लिखते थे। बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए जब कस्टमर्स डिपॉजिट स्लिप कैशियर को देते थे तो वो सॉर्टिंग मशीन में उनके डिपॉजिट स्लिप्स को डालता था। सॉर्टिंग मशीन हाथ से लिखे अकाउंट नंबर को पहचान नहीं पाती थी और फिर कैशियर अकाउंट नंबर की एंट्री खुद से करता था। फ्रैंक एबग्नेल ने सोचा कि अगर मैं मैग्नेटिक इंक का इस्तेमाल करके अपना अकाउंट नंबर डिपॉजिट स्लिप्स पर लिखकर बैंक में रख दूं तो क्या होगा। उसने बैंक से बहुत सारे डिपॉजिट स्लिप्स उठाए और उन पर मैग्नेटिक इंक से अपना अकाउंट नंबर प्रिंट कर दिया और उनको वापस बैंक में ले जाकर रख दिया और इंतजार करने लगा कि अब क्या होगा। होना क्या था, कस्टमर्स जब उन डिपॉजिट स्लिप्स का इस्तेमाल करते और कैशियर को देते तो सॉर्टिंग मशीन उन डिपॉजिट स्लिप्स पर हाथ से लिखे अकाउंट नंबर को नहीं रीड कर पाती थी, लेकिन मैग्नेटिक इंक से लिखे अकाउंट नंबर को रीड कर लेती थी जो कि फ्रैंक एबग्नेल का अकाउंट नंबर था, और फिर कस्टमर के पैसे फ्रैंक के अकाउंट में चले जाते थे। जब तक बैंक को इस फ्रॉड के बारे में पता चलता, फ्रैंक एबग्नेल के अकाउंट में $40,000 जमा हो चुके थे और उसने वो पैसे निकाल भी लिए थे। फ्रैंक एबग्नेल की पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी कि बैंक वालों को वो एक अच्छा आदमी लगता था और बैंक को बिल्कुल ऐसा शक नहीं होता था कि वो कोई फ्रॉड कर सकता है। इसी का फायदा उठाता था फ्रैंक एबग्नेल। वो अपने ही अकाउंट से बैलेंस से ज्यादा पैसे चेक के जरिए निकाल लेता था और बैंक जब उसको पेमेंट करने के लिए बोलती थी तो वो दूसरे बैंक में एक नई पहचान के साथ अकाउंट खोल लेता। वो कंपनियों के नाम से चेक बनाकर बहुत सी चीजों को खरीद लेता था और बाद में कैश के बदले उन चीजों को बेच देता था। उसने बैंक्स के साथ इस तरह की धोखाधड़ी से लगभग $25,00,000 कमा लिए थे। फ्रैंक एबग्नेल की नजर और भी बहुत सी चीजों पर थी। उसने देखा कि एयरलाइंस और कार रेंटल की कंपनियां जैसे कि यूनाइटेड एयरलाइंस और हर्ड्स अपने डेली कलेक्शन को एक बैग में डालकर एयरपोर्ट के अंदर एक ड्रॉप बॉक्स में डाल देती थीं। फ्रैंक एबग्नेल ने एक सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस पास की एक कस्टम शॉप से खरीदा और उस ड्रॉप बॉक्स के पास आकर खड़ा हो गया। उसने ड्रॉप बॉक्स के ऊपर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था कि ड्रॉप बॉक्स काम नहीं कर रहा है, यानी कि वो आउट ऑफ सर्विस है और आप अपने पैसे को ड्यूटी पे तैनात सिक्योरिटी गार्ड को दे दें। फ्रैंक एबग्नेल को विश्वास नहीं था कि ये ट्रिक काम करेगी, लेकिन एयरलाइंस के लोगों ने उसको पैसों से भरा हुआ बैग दे दिया। लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि आखिर ड्रॉप बॉक्स कैसे काम नहीं कर सकता। जब उसको लगा कि वो अब फंस जाएगा तो उसने सोचा कि अब वो कुछ दिन इन सारे कामों को बंद करके कहीं दूर चला जाता है। उसने सोचा कि उसको अपनी पहचान भी बदलनी चाहिए ताकि वो कहीं भी रहे पकड़ा ना जाए। 1966, फ्रैंक एबग्नेल जूनियर अब 17 साल का था। उसने देखा कि एयरलाइंस के पायलट्स को बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। उसने सोचा कि क्यों ना एक पायलट की पहचान बनाई जाए। उसने पैन अमेरिकन एयरलाइंस के हेडक्वार्टर्स को फोन करके बोला कि ट्रैवल करने के टाइम उसकी यूनिफॉर्म खो गई है और उसको नई यूनिफॉर्म चाहिए। उसने इसके लिए एक पायलट जो कि पैन अमेरिकन एयरलाइंस में उस समय था के नाम का सहारा लिया। एयरलाइंस ने फ्रैंक एबग्नेल को एक एड्रेस दिया जहां से वो नई यूनिफॉर्म ले सकता था।
फ्रैंक एबेग्नेल तब तक अपना एक फेक एम्प्लॉय आईडी बना चुका था और उसी को दिखाकर उसने पायलट का यूनिफॉर्म ले लिया। उसने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का एक जाली पायलट लाइसेंस भी बनवा लिया था। वो उसी यूनिफॉर्म, लाइसेंस और फेक आईडी कार्ड का इस्तेमाल करते हुए दूसरे एयरलाइंस से दुनिया के कई देशों में फ्लाइट से ट्रेवल किया। 2 साल तक वो घूमता रहा। उसने लगभग 250 फ्लाइट्स पर 16 लाख किलोमीटर की यात्रा की और 26 कंट्रीज में घूमा। लेकिन वो पैन अमेरिकन एयरलाइंस के प्लेन से कभी नहीं गया क्योंकि उसको डर था कि उसको पकड़ा जा सकता था। इसी बीच में उसने फ्लाइट कैसे उड़ान भरती है, पायलट्स कैसे काम करते हैं, इन सब बातों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। एक बार फ्लाइट में जब वो कहीं जा रहा था तो उसको उस फ्लाइट के पायलट ने प्लेन को उड़ाने के लिए कहा जब वो प्लेन 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। फ्रैंक एबेग्नेल ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया और ऑटो पायलट को स्टार्ट कर दिया। दूसरे एयरलाइंस वाले उससे टिकट का पैसा नहीं लेते थे क्योंकि वो एक बड़ी एयरलाइंस पैन अमेरिकन एयरलाइंस का पायलट था। वो एयरलाइंस को बोलता था कि उसको शॉर्ट नोटिस पर दूसरे सिटी या कंट्री में जाना है और इसलिए उसके ट्रैवल, खाने पीने और रुकने का सारा इंतजाम वो एयरलाइंस करती थी और उसका बिल पैन अमेरिकन एयरलाइंस को चला जाता था। 2 साल बाद जब उसको लगा कि अब वो पकड़ा जाएगा तो फिर से उसने अपनी एक नई पहचान बनाई। उसने और क्या क्या रूप बदले और कितने लोगों को धोखा दिया, जेल की सजा काटी, जेल से भागा भी और फिर FBI को क्यों जरूरत पड़ी उसकी। इन सब सवालों के जवाब देने के लिए मैं आप सभी से मिलता हूँ पार्ट 2 में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन को दबाना ना भूलें।